हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना कृष्णा सारस्वत स्वागत करता हूँ एक नए व्लॉग में। और आज है 25 दिसंबर और कल 26 दिसंबर को तुम्हारे भाई का बर्थडे है। और रात हो चुकी है, जो मुझे लग रहा है मेरी बहन बाहर है और कुछ प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग वैसे क्या ही होगी, 12 बजे आके केक कटवा देंगे, बट हाँ स्टिल कुछ होगा, कुछ मतलब सरप्राइज जैसा कुछ देंगे। सरप्राइज तो घर नहीं होगा, मुझे पता है 12 बजे केक ही कटवाएंगे बस। और बस आप लोगों की दुआ, जिन जिन लोगों ने मुझे विश किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया अब कर देना कमेंट में, कोई बात नहीं। मैं बता रहा था कुछ होगा, अभी 12 बजे नहीं है। ये केक वेक ले आए हैं, बट ये भी लाए हैं। अरे भाई ये बताओ, बाकी सब तो ठीक है, तुम्हारे ये घास किसने काट दी है? वैक्सिंग कराई है चेहरे पे तुमने? चिली पोते तो गाइस। और ये लोग स्पीकर भी लेके आए हैं। ये केक आ गया। नहीं गानो, नहीं आ गया, यही बहुत है। देख दाग बात मिलेंगे, कोई बात नहीं। कम ऑन, गाना मेरा कंट्रीब्यूशन देख रहा है तू? अरे बिल्कुल गाना, तुझे पता है तेरे केक में मेरा पूरा 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन है। 20 रुपए का? पूरा 20 रुपए। और 20 रुपए कैश लेके गई थी है? गाना वर्चुअल 20 रुपए का, मतलब केक जितना भी था उसमें मैंने 20 रुपए कम करवाए। अच्छा कम कराया? अच्छा हुआ कैश नहीं लेके मैं आपको छीन छान लेता। इस लाइट को देख, कौन सी लाइट को देख? देखो दोस्तों, बीच में अभी हमारा जो है डेकोरेशन अभी पॉज हो गया, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास गोल्डन और ब्लैक कलर के बैलून्स नहीं है, तो क्योंकि कोई मल्टी कलर ले आया था। हाँ हाँ, कोई क्या, वो क्या करें जी, हमारे हर घर में एक होता है ऐसा बालक जो थोड़ा वो होता है, तो वो ही हमारा बच्चा जो है घर का, वो दीदी मेरी बड़ी है मेरी वैसे तो वो जो है वो मल्टी कलर ले आई थी, तो अब ब्लैक और वो मेरा जो दोस्त है आशु वो लेने जा रहा है ब्लैक और गोल्डन कलर के, तो वो लगेगा यहाँ पे। और इधर आओ, मैं स्पेशल शाउट आउट देना चाहूंगा मेरी एक दीदी को। जल्दी आओ ऐसे ही दे दे। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं, देखो अच्छा थोड़ी, इधर आओ दीदी, उधर आओ, बैकग्राउंड भी तो अच्छा आना चाहिए, इधर आओ। हाँ मैं स्पेशल शाउट आउट दूंगा इनको, क्योंकि डेकोरेशन ये कर रही हैं और इन्होंने एक दो आइडिया भी दिए। आप कह रही हैं कि कोई आर्क वार्क सी बनाएंगी, पता नहीं क्या होता है, जस्ट लाइक प्रोफेशनल ओनली, और जो भी है ठीक है। तो मैं बस, और इन्होंने स्टार्टिंग का जो व्लॉग आपने देखा वो इन्हीं की आवाज थी, इन्होंने बनाया है। किसी ने कोई व्लॉग नहीं बनाया, बस इन्होंने बनाया है, तो स्पेशल थैंक्स टू हर ऑल्सो। हाँ बहुत अच्छी है ये, और डेकोरेशन सब इन्हीं का करा हुआ है। तो आगे डेकोरेशन देखना, और फिर मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर नीचे डाल दूंगा, देन यू कैन कॉन्टेक्ट हर फॉर एनी काइंड ऑफ डेकोरेशन, वेदर इन अ बर्थडे पार्टी, वेडिंग और एनी इवेंट्स। भाई टैलेंट दीदी का मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था क्या करेंगे, तो सच में प्रोफेशनल्स की तरह पूरा। देखो यार, नहीं सच में मुझे नहीं पता। और देखो रात के नौ बज रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग नहीं आते, मगर एक इलेक्ट्रीशियन भैया हमने बुलाया स्पेशली, ये आ गए। गिर गया कैसे कपड़ा? ये सीनरी पहुंचने के लिए। सीनरी नहीं है जी, वो हमारे पूर्वजों की फोटो है, सीनरी कह रही है उससे। हाँ नहीं तो दादा है हमारे, तो पहले ही हो चुकी होगी। अदिति ने बनाया है, आंटी मैं मम्मी हमने भी बुलाया।
मोंटी घर पे बैठ रहा था वो पड़ी की उसमें वो कूक में मुझे आता है यहाँ तो बैठ रहा तो अब जब सीनियर्स के सामने जूनियर्स कहाँ टिक पाते हैं जल्दी घर अभी फोटो अपनी टिक रही है गाइस किस पे फोटो पे ओ बाबा का जादू चमत्कार ऐसी ऐसी चिंता ऐसी ऐसी चिंता अरे ग्लास पे डाल टेप पे चमक रही बाबू मुझे यार मैं तो बैठ के पढ़ रहा था मुझे नहीं पता था ये लोग आने वाले हैं। थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच यार इट वाज अ ह्यूज सरप्राइज फॉर मी बेटा व्लॉग वालों को भी बता पूरी तो पहले से तू ही नाच यार आई एम स्पीचलेस गाइस ओ ये सुअर कौन बन वाला ये गुब्बारे से कुछ लगा है ना कौन से ये हाँ उधर 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 आई लाइक दे सेंट अंकल की दाढ़ी मिल अच्छा ये सेंटा है कुछ तो है ये सेंटा बनाया ये हमारे तो गोवर्धन बनता है ऐसा देख फुल्लड़ी जलाते हैं ना उन्होंने यार ठंडा हो रहा है सच में बाज देखो भाई 26 दिसंबर 2004 का मेरा बर्थ हुआ था नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ लो जी लो फोन आ गया गाइस 12 बज गए Thank you guys, thank you. That was so mesmerizing and I'm just in love with you guys, yaar, please. I'm just feeling like wow. Yeah, just looking like wow, guys. Vlog ke liye leni hai. Happy birthday, Didi. Same to you. भाई इतना गलीच आदमी है ऊपर से बेचारा सेंटा क्लॉज लेगा यार पूरा की फोटो ली थी नहीं दोनों भाई ने तीन प्लेट मैगी ने चार हमारी सात प्लेट मैगी खा गए भाई भाई साहब मुझे मिला पीछे पैर से कुल मसाला तीन के बाद भाई साहब आधा केक खा गए दोनों जने मिल गए दोनों की चौथी स्लाइस है दोनों की चौथी है ना हाँ अभी जिम कर रहे हैं अभी अभी लड़ाई लड़ाई करते हैं फिर और मैं हफ्ते में दो बार तो मैं भी जाते देख ही अरे जिम नहीं अरे जिम जाता छोले भटूरे खाया था वहाँ से आते बिरयानी खाया था आज अरे भैया आज पता है आज ये हंगस बाइट गए हंगस बाइट की बताना बेटा मुझे पता जाती हूँ हंगर बैठ जाती हूँ तो ये देखो जी छोटे बाबा पापा बोला मैंने छोटे पापा मैंने देखो जी ये हमारा पूरा परिवार ये हमारी मौसी हैं ये हमारे ये हमारी माँ है ये हमारे चाचा हैं ये है हमारा जिगरी और ये हमारी बहन है और ये हमारे मौसा जी हैं और ये हमारे भाई है ये हमारी बुआ है ये हमारी बुआ है और ये हमारे
फुफाजी है, फुफली। चलो भाई आ जाओ। लो दीदी, दीदी ने बताई तूने कौन थी? वो तो कल ही बता दी थी, छुप गई, मुझे दिखाई नहीं दी, सॉरी। कल बता तो दी थी, कल तो बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दिया, ज्यादा ही बता दिया, तो ज्यादा ही बता दिया। मां जी स्मार्ट ये लो, और टीका लगाओ पहले। हां बोलो, टीका कर पहले। लो मां से पूछूं, मुझे बताना पड़ रहा है मां को क्या क्या करना है। ऐसी शादी पर करेंगे हम में भैया, बुआ ध्यान लगा दो, बुआ पता हो कछु हमारे घर में, हमारी अम्मा ना पता क्या करना, खाना करना, वो का हुआ। हां सही है, बुआ ध्यान रखेगी, जो कमी होगी फिर बाद में बुआ को लेट लपेटेगा। जिम्मेदारी का काम है बुआ, ये ऐसा काम ना है। मैं आ रही है, हम मैं ये बात सही है, लाला सही कह रहा है, हमारी मौज आ रही है। ये पीछे कोई डमी से खड़ा है, अच्छा चाची नमस्ते। मैं दिख नहीं रही थी, बस ऐसे खड़ी हुई थी ले। थैंक यू आशीर्वाद दो चरण स्पर्श था। ये भी कोई देखी से लग रहे हैं हमें तो, मैं भी लग रहा है ना ऐसे ही, पता ना बता रहे हैं तुम्हारे पापा लगते हैं रिश्ते में। हम वे साले चावल नहीं पेड़ है वो, ये अभी जिम्मेदारी ले रही चार बार लोग बनाओ उतारो मारती तो उतार। ओहो अरे पूरा प्रोसीजर चलेगा, पूरा प्रोसीजर चलेगा, कुछ रहने जाए। चलो नहीं नहीं कुछ रहो, अरे सीरियल वाइज चलेगा, अरे हम तुझे जलाएंगे, टेंशन ना ले तू, पूरा नहीं मतलब हम पूरा जला के दिखाएंगे इसे। ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, सब खाए हाथ मार देगा केक ना। नहीं नहीं अभी रुक जा, दीदी का फोकस है भाई पूरा। अरे मैंने सही कैमरामैन हायर किया है, हायर किया। ब्लॉग ब्लॉग बना रही क्या बेटा? हां चलो नाम में हम भी कुछ बोल देते हैं। अरे देखो आपका इंटरव्यू लेने, आप तो पहली बार आ रहे हो ब्लॉग में। हमारे पापा को ले लो, व्यूज बढ़ जाएंगे। अरे हां आओ नोड़ी जल्दी, चलो नोड़ी उल्टा सीधा, उल्टा सीधा कर दूंगी मैं, कह रही चरण स्पर्श कर। साले में दो तीन दिन आते हैं जब मैं पैर छूता हूँ, ये हमारा छोटा सा बच्चा था, 2004 में पैदा हुआ था, आज अचानक से 19 साल बाद इतना बड़ा हो गया। हाँ और जिस दिन ये पैदा हुआ था उस दिन सुनामी आई थी इंडोनेशिया में, अरे इंडिया में, इंडिया में आई थी सुनामी आई थी। इसने आते ही तहलका मना दिया था, 12:55 पे, 1:55 पे पैदा हुआ था। और ये शक्ल से थोड़ा बड़ा लगता है क्योंकि दाढ़ी वाड़ी आ गई, लेकिन है अभी छोटा सा, मात्र 19 साल का है, अभी 19 साल का तो प्यारा सा है, बातें कुछ ज्यादा करता है लेकिन है प्यारा सा, पूरे घर का दुलारा सा है, ताना सा है, पूरे घर का प्यारा है। चाचा जी का तो पूरा एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा चाचा जी। हाँ पहले इंट्रोड्यूस तो कर दूं, देखो ये हमारे चाचा हैं, हमने इन्हें सबसे पहले चाचा बनाया सन 2004 में 26 दिसंबर को, तभी सबसे पहले नहीं बनाया वो तो, वो तो हाँ ओ सॉरी तो दूसरे दूसरे नंबर 2000 में बन गया वो था। वो इनके भाग्य तब खुले कि जब हम आए, और जो भी है ये सब गदगद हो गए थे जैसे ही हमारा प्रवेश इस घर में हुआ। मैं हूँ लड़का मगर मेरे कदम बिल्कुल लक्ष्मी की तरह पड़े, मैं इनका कुबेर था एक तरीके से, तो बस सब कृपा थी। देखो पूरे घर का सबसे लाडला, सबसे लाडला, सबसे प्यारा चाचा का दुलारा कृष्णा सारस।
बहुत बढ़िया छोटा सा दाढ़ी वाला बहुत बढ़िया चाचा सा बड़ा हो गया ये चाचा की दाढ़ी आज तक नहीं है भतीजे की आ गई चाचा हमारे यंग रहना चाहते हैं तो शेव करके रखते हैं ऐसी बात नहीं देखेंगे तो देखने में बिल्कुल हमारे जैसे हैं आप लोगों ने देखा ही है ऐसे तो इन्हें हम उनके जैसे हैं अरे ओ सॉरी सॉरी हम उनके जैसे हैं हम इनके जैसे क्या होंगे कि अंदर टच मनुष्य और हम उनके जैसे हैं बिल्कुल ये हमारे पापा जी हैं ये अभी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है बट अगले बर्थडे पे अवश्य यहाँ आऊंगे ये इन्होंने हमसे वादा किया है 20 साल का जब आएंगे जब 20 साल का होंगे हम तब ये हमारे बर्थडे बुआ के बारे में भी बुलवाओ बुआ छोड़ दी तुमने हमारी ऐसी बात थोड़ी शर्मा रही है देखो जी हमारी नेकसिया सी बुआ आएंगे और क्या ये हमारे घर में वैसी है मतलब नहीं एक वो होती है ना जो मतलब जो कह दे तो इन्हीं का मुंडा पूछता हमारे घर में ये हमारी बुआ ऊपर से लेकर नीचे तक किसी को भी डांट सकती है किसी को भी प्यार कर सकती है ये इन्हें पूरी छूट मिली हुई है हमारी बुआ को ये बुआ भी पहली बार व्लॉग में फीचर हो रही है तो एक लाइक बुआ के लिए ठोक दो ठीक है कुछ तो कह दो क्या कहूँ चलो कोई बात ना है अब तुम सोचो कि मेरा बोलने का कहाँ से आया ये इन्हीं की देन है सब देखो इन्हीं की देन है जो भी मेरा बोलने की कला है चलो आओ आप जल गए चलो अरे ये तो चलाओ ये मत करा करो तुम क्या देखते हो ये मत करा करो फट गई है कितने केस नहीं कितनी वीडियो आते हैं चलो चलो कंटेंट आ जा फोटो भी खींचते रहना साथ में चलो 1 2 3 Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Krishna, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, happy birthday. खिलाओ भी खाओ उसके और भी खाओ ये लगे रात में उसको भी भगवान जी का मोक्ष है उसमें हम साथ साथ है मैं उठाया नहीं उसमें मोक्ष नहीं है क्या चार तो दिन नहीं मना लेंगे सुबह मोक्ष ने उठाया नहीं है मोक्ष के में तो है ना तो जहाँ भी लो माँ आओ दिन में आओ मोक्ष को दे बेटा मोक्ष को तो ऑफिस का भी मैंने लगती अरे मैं इधर देखो गाइस बुलबुल इधर देख फोटो नमस्ते भाभी नमस्ते जी मम्मी आप कैसे हो बहुत अच्छी आओ हम बहुत अच्छे हैं अरे इधर छोटो आएगी यार क्या हो रहा है फूफा जी को खिला मौसा जी को खिला हाँ सब आओ जल्दी आओ अरे आओ भाई क्या आ जाओ क्या कह रहा है फोन ले लो ना इसका खुश लग रही है हम भी खुश लग रहे हैं फोटो हम भी खुश हैं आपको मौसम के पाँव आप ही के लिए पूछ रहे हैं हाँ लो लो बिल्कुल ये नाम के लिए बात किया कोई बात अपने एग्जाम खत्म होते ही आ जाना टेंशन ना आज हो गई प्लानिंग हो गई हमारी क्यों कह रहा है 27 को खत्म फिर 28 करे जरूर चेंज करा खाना फूफा जी चैन भैया खाना फूफा जी बोले हाँ क्या हुआ रुको हेलो पूरा
हाँ ठीक है हाँ 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 आयांश आ रहा है आयांश कह रहा है मेरा आगे बता दे कि आजा दोबारा खिला चुका हूँ जयपुर जयपुर एक बार तीनों इधर देख के खड़े हो जाना कितना मस्त लग रहा है ऐसे मलाई लग रही है भैया खिला भैया को खिला तुम भी सामने राधे को खिला आजा भाई राधे को खिला खड़े हो जो फोटो ले लेते हो फोटो वो छोटे को भी बुलाओ अरे तू तो दोस्त है अरे हाँ इसने भी नहीं खाया अभी आजा भैया आजा इसको भी बुला लो इसको पप्पू भाई इधर देखो हो गया नहीं आशु है क्या आप बचा बीच में आ जाओ दोनों कमेंट्री सी दे रहे योगेश को अच्छा क्या करना चाह रहा है वो चिकना हो गया ना इसलिए आ गई आ जा दीदी मैं फोन चलो मम्मी देखो भाई ये मेरी माँ है इसे मेरी माँ कहते हैं इसे मेरी माँ इसे मेरा बेटा कहते हैं कहते हैं ये प्रजाति इनका बेटा कहलाता है फोटो लेने के लिए हाँ तो यही तो काला ब्लॉग चल रहा है बुआ के लिए कुछ बोलेंगे बुआ के लिए तो कह दिया जी बेटे अच्छे से खाओ अब आप 19 साल के हो गए हो थोड़े 2 साल बाद 21 साल के हो जाओगे आप लड़की देखना चालू करें और हमें अच्छा लगेगा जब आप हमें मौका देंगे हम आपके लिए लड़की देखें पंच मारा लड़की देखी नहीं तूने चाचा जी की बात हमने बोला कि हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमें मौका देंगे आपके लिए लड़की देंगे हमने ये बोला है बातें ऐसी कर चुप बिल्कुल दिल को छू जा अगर हमारे हाथ में रहा तो जी हम बिल्कुल आपको अवश्य मौका देंगे मगर ये दिल जो है ना थोड़ा ये बदतमीज है ये काना की बुआ जी है सबने लप 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 करके खा लिया अब ये केक को संभालने में हमारी जो जी ये हमारी वो बुआ है जो केक बांटने में माहिर है ये बंटवारा बहुत अच्छा करती है केक हो अमरूद हो संतरा हो बराबर बराबर बांट हाँ बिल्कुल कथा वता में प्रसाद के लिए ही नहीं बैठाते हम अब जो दुकान लुट चुकी है उसको थोड़ी सी संभालने में लगी संभालने में बस एक ये बुआ ऐसी है जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि जो है मतलब की बेईमानी कर दी कोई जरूरत नहीं बराबर इक्वल है और ये आशु आशु ने बस 12 किलो खाया है इसका पूरा मन है कि ये मैं पूरा 1 किलो केक खाऊं ये आशु आशु हाथ जोड़ के कहो कि हाँ मुझे पूरा 1 किलो खाना है हाँ मुझे पूरा एक हाँ ये बच्चे बड़े आज्ञाकारी बच्चे हैं हमारे सब बात मान जाते हैं सब कुछ बढ़िया है लेकिन संस्कारी बच्चे बड़े हाँ बिल्कुल बिल्कुल संस्कारी तो है वीडियो पॉज कर लो नहीं संस्कारी कि मिठाई के डब्बे संस्कारी पूरा ध्यान रखेंगे ऐसे ही संस्कार को मेंटेन करते संस्कार अभी तो है आगे चलते आगे भी पूरे ऐसे ही बोलो ना कि शादी का मौका हमें देना ये लड़की ढूंढेगा सीधा सीधा ये बोलो अरे लाओ प्लेट दो बुआ ने जमीन बांट दी तुम मैड ही नहीं काट पा रहे हो प्रेसेशन देखो देखो मजा ले चाहे इंच टेप से नाप दो मजा ले कोई पीस ऊपर से नीचे हो जाए एक ज्यादा एक कम हो जाए ना हो गया तो तेरे ब्लॉग में आई भी थी ये भी आज तक देखो जी ये भी आज तक क्या फूफा जी के लिए तो देखो अब मैं अब की जिम्मेदारी रुक जाओ मैं सबके लिए कह दूंगा मगर एक बार तो मेरा फूफा जी बैठे हैं उधर कोने में फूफा जी के लिए मैं मौका दूंगा पूरा आशु को कहने का आशु बोलेगा आशु पूरा 10 मिनट का निबंध सुना सकता हमारे फूफा जी फेवरेट
हैं हाँ गाय का जैसा गाय गाय के दो कान दो आग दो नाक आशु आशु कहता है तुमको तो आप जैसा होने को क्या बोलूं जी देखो ये इनके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है अच्छा जी ये हमारी बहन इन्होंने अभी जो है अपनी पढ़ाई पार करी अपनी पढ़ाई करी है अभी और ये नौकरी की तलाश में किसी ये नौकरी की तलाश में किसी के पास अच्छी नौकरी एचआर में हो इनके लिए तो मैं सीवी नीचे ऐड कर दे रहा हूँ प्लीज हायर करो ओके और बुआ बुआ को काउंटिंग प्रॉपर बताई जाए सो दैट वो बिल्कुल बराबर खाने बना सके बिल्कुल बिल्कुल मजा ले एक बीघा भी ज्यादा हो जाएगा चल तू ले वो भी तो कह रहे किसी के दो डब्बे ना चले जाए राधे राधे ले लो जिम्मेदार बहन आजकल डिब्बा भी तो इतने महंगे हो गए डिब्बा में से एक एक लड्डू निकाल के एक नया डिब्बा बना दिया तो टेंशन ले रही हूं अपनी जिम्मेदार बहन के लिए भी तो कुछ बोलो खाना ये तो वाली बात होगी एक किलो के डिब्बे में तीन पाव मिठाई है और क्या डिब्बा इतना बड़ा आधा लड्डू चार निकलते ये देखा अब तो बुआ भी फ्रैंक होती जा रही है व्लॉग में लो फोटो खींच दूंगा ओ माय गॉड ब्यूटीज ये जी देखो हमारे घर का सबसे शैतान बच्चा ओए हाँ ओए आशु फूफा जी के बारे में यार फूफा जी के बारे में आशु फूफा जी के बारे में देख अभी खाना आने में टाइम है जल्दी बोल आशु जो जो बोलता है दिल खोल के बोलता फूफा जी बुरा नहीं मानेंगे हमें पता है बोल दे जो जो बोलता है तू जो बोल दे जल्दी बोल फूफा जी देख सुनने के लिए बेताब है फूफा जी हो तो ऐसे हो बेटा तीन चार तुम्हारे पे भी है सुनो सुनो फूफा जी के बारे में जनरल आदमी है मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक नंबर आदमी है और कानों को बहुत सपोर्ट करते हैं काना का आईफोन भी इनके वजह से आया है शुरुआत इन्होंने ही करी थी काना का बुलेट भी इनकी वजह से आएगी और जल्दी एक बुलेट भी आने वाली है फूफा जी की वजह से और देखो जी चाचा जी वादा कर रहे हैं अरे मतलब हाँ 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 नहीं वो हमें यही तो कह रहा हूँ मैं अरे वादा ही करने का नहीं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं समय के साथ नेक्स्ट ईयर दीदी की शादी करनी पड़े तो तुम्हारी बुलेट नहीं आएगी वो हमें भी पता हम तो तभी तो दो साल से इसीलिए रुके हुए हैं बहन की शादी के लिए रिजल्ट वगैरह भी अच्छा रहे किसका जी मैं कॉलेज में हूँ रिजल्ट की अपेक्षा मत करें पास हो जाए बहुत बड़ी बात है ठीक है बोर्ड थोड़ी चल रहा है मेरा जो रिजल्ट है 5 साल का कॉलेज है हाँ 5 साल का कॉलेज है ऐसे कब तक मैं अच्छे रिजल्ट लाता रहूंगा तभी तो ये हकीकत बात है आईफोन जो फूफा की वजह से ही आया थोड़े फूफा ने फरमाई क्या बोलता हूँ सिफारिश लगाई है हाँ और आगे कंटिन्यू करो और जो तुम हमसे कहते हो अकेले में भाई बहुत जेनुइन आदमी है और फूफा जी का नाम फूफा जी का नाम बताइए हाँ फूफा जी का नाम बताइए शरद सरस्वती नहीं नहीं आगे सही नाम बताइए तेज बोलिए फूफा जी का नाम है वीर शरद सरस्वती जी वीर सम्मान के संग हकदार है सम्मान की और बुआ फूफा जी नहीं संग बुआ जी भी है क्या बुड्ढी बुला रही है इसको जिनको सब दिया जाएगा और बहुत ही और हाँ ये दम 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 तोड़ रहा था अरे तुम चटन जी ले आ देखो ये गलीच जैसे नैपकिन में पैकेट नहीं थे यार थोड़ी सी भाई खाना पीना खा के अब हम जा रहे हैं पान खाने डेजर्ट और ओए बदतमीजी नहीं इन्होंने हमें बाद में ज्वाइन कर लिया था ये उस समय केक कटिंग के टाइम नहीं थे केक कटा था अरे रेड वेलवेट केक आ गया घर पे नहीं रखा तुम्हारा टेंशन ना लो अरे और मौसी उसका और मौसी मौसी लाइन उसका नाम बताएगी वो भाई रेड वेलवेट वो तो होता है मौसी दाम बताएगी हाँ दाम की नाना अरे मार्केट का रेट पता करके फिर बताएंगे नहीं मुट्ठी लाख की और खुली नहीं दाम बताओगे चक्कर खा गिर जाओगे
जय जय वो केक मौसी की तरफ से था और एक पार्टी हमारे चाचा की तरफ से थी। चाचा जी थैंक यू सो मच। अच्छा हमारा बर्थडे जो है इतना बढ़िया बनाने के लिए था, क्या मेरी वजह से जा रहा है। हाँ और हमारा पान अन्नू बहन की तरफ से इस बर्थडे में हमारा योगदान बस पैदा होने का ही है कि हम पैदा हो गए तो ये लोग पार्टी कर पा रहे हैं। पान की पार्टी हमारी अन्नू बहन दे रही है। और किसी को कोई श्रेय लेना है? और भाई मुझे पैदा करने का, मेरा पैदा करने का भी खुद नहीं है, वो मेरी माँ को श्रेय जाता, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया। मम्मी कह रही कि पापा को क्रेडिट, मैं ये कह रहा हूँ जी सारा क्रेडिट उन्हीं का है कि खिलाने का पिलाने का पढ़ाने का। माँ ने तो पैदा करके छोड़ दिया, बाकी बाप ही पाल रहा तब से। सही बात है बेटा, तेरे को गीले गीले से निकाल के सूखे में तेरी माँ ने ही सुलाया होगा। मैं ना वो तो हाँ तो वो पापा कभी ना सुलाया, मैं ना वो तो कह रहेगी मैंने कभी सुसु करी नहीं, मैं तो सुसु पकड़े रहता था। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा अगर ऐसा सच बोलूं तो सबसे ज्यादा सुसु बिस्तर में मैंने ही करी है सबसे ज्यादा। हाँ तो हकीकत बात है। और सबसे बड़े तक मतलब मैं जब 10-12 साल तक मैंने सुसु करी है बिस्तर पे, ये हकीकत बात। अब टच वुड वो है, हाँ मम्मी का क्रेडिट है, कहीं शादी ब्याह में जाते थे मम्मी गद्दा डाले आती थी जा सुसु करते। मैं सुसु करके गद्दा भिगो देता था, मम्मी फोल्ड करके दूसरी तरफ से रख आती थी उसे। आगरा नहीं, आगरा, हाँ आगरा। आए आशु भैया और पापा थे आपके। अरे खाना उंगली करना जरूरी था क्या? आगे आगे अरे तो क्या है यार, चलो चलो चल रहे हैं पैदल पैदल क्या। अरे खाना अरे भाई घर बैठ जाते हैं, पान ले आएंगे। लो और क्या कह रहे थे चाचा भी तो ये रहा जरा सी दूर। हमारी मम्मी को घूमने कब होता? घूम आए हाँ। ले आगे हम भरी जा रहे हैं। चलो फूफा जी फिर घर पहुँचे लाओ मुझे। मैं जा रहा हूँ भी। कहाँ घर? अरे घर तो चले जाना, पान तो खा के जाओगे। अरे 2 मिनट में। अरे पान खा के जाना, हम एक तो लेट आए हो। सो दिस इज योर कृष्णा सारस्वत साइनिंग ऑफ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कृष्णा सारस्वत पोएट्री। बाय बाय।